एक नए बिजली कनेक्शन के लिए दलाल आपसे 3 से 5 हज़ार रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो मात्र सरकारी चार्ज में ही आप अपने बिजली कनेक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरे डॉक्यूमेंट के रूप में आपका निवास या फिर आपका राशन कार्ड होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको 500 केवी तक कन्वर्ट कर लेना होगा और अपनी फ़ोटो को आपको 50 केवी में कन्वर्ट कर लेना होगा। अब आपको क्रोम ब्राउज़र में झटपट पोर्टल सर्च करना होगा। फर्स्ट साइट आएगी एप्लीकेंट लॉगिन, यहां पर क्लिक करना होगा। पॉपअप को कट कर देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहां पर आवेदक का नाम डालना होगा, आवेदक का डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी डाल देना होगा, देन मोबाइल नंबर डाल देना होगा। कैप्चा जैसा सो रहा है कैप्चा डाल के आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। पॉपअप में बताया जा रहा है कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ओके पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आप फोटो पर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉगआउट कर सकते हैं। न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद अप्लाई करें पर क्लिक करना होगा। अब आपको नीचे क्लिक करना होगा। यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपूर्ति का उद्देश्य, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक घर के लिए सेलेक्ट कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे एक ही कनेक्शन से दो घर में जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज नो पे रहने देना होगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद खंड यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। खंड नहीं पता है तो यहाँ पे जाने पे क्लिक करके अपना खंड जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आवेदक का नाम डाल देना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर देना होगा, फोटो आवेदक का 50 केवी तक यहाँ पे डाल देना होगा, वैवाहिक स्थिति मैरिड है मैरिड, अनमैरिड है अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उनके पिता का नाम डालना होगा, तो उसके बाद माता का नाम, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे व्यवसाय जो भी होगा वो व्यवसाय यहाँ पे चूज कर लेना होगा। अब और कुछ छोड़कर कंप्लीट एड्रेस मकान नंबर के साथ फिल कर देना होगा, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सहित। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो टिक करके उसको भी वैसे फिल कर देना होगा। जहाँ पे आप मीटर लगा रहे हैं वो भी एड्रेस सेम है तो उसको भी उसी तरीके से फिल कर देना होगा। अपने प्लाट का एरिया यहाँ पे आपको लिख देना होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जैसे कि पहले वाले में आप निवास या फिर राशन कार्ड लगा सकते हैं, दूसरे में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे अपलोड कर देना होगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे चूज भी कर लेना होगा प्रूफ के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आप कौन सा एप्लीकेंट यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे CFL हो गया, लैंप हो गया, फैन हो गया, जितनी क्वांटिटी में आप यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम CFL सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइड में स्क्रॉल करके उसका वाट यहाँ पे शो हो जाएगा, नंबर कितना आप यूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पेज सिलेक्ट करके दूसरा भी जैसे कि फैन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ भी सिलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जितने भी यूनिट में सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट करना होगा। किलोवाट कितने किलोवाट का कनेक्शन करना चाहते हैं इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम 1 किलोवाट का चाहते हैं तो यहाँ पे एक आपको लिख देना होगा, एक लिख के आपको उसको ओके कर देना होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप फैन का भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैन भी चूज कर लीजिएगा। ट्यूबलाइट करना चाहते हैं ट्यूबलाइट भी चूज कर लीजिएगा। 1 किलोवाट के कनेक्शन में आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि 746 वाट तक। देन फ्रेंड्स यहाँ पे डिलीट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे चूज करके आप पूरा डेट यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि ये पूरा 2 मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो कोई भी गलती हो तो यहाँ से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, पूरा डेट यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर जितना भी आप सेलेक्ट किया होगा यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी, साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो कितने नंबर आप क्वांटिटी में है ये साइड में आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप बारी बारी से डिलीट भी कर सकते हैं अपेक्षित भार किलोवाट में, जैसे कि हम 1 किलोवाट का कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। ये पूरा ध्यानपूर्वक आप करिएगा, अदरवाइज आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा जिसका चार्ज या बिल फिर आपको अधिक देना पड़ेगा। अब नीचे आई एग्री पर टिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पर आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना होगा। देन फिर से डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ से 3 डेट आप नज़दीकी चूज कर सकते हैं। अब तीनों डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद UPI सेलेक्ट करके आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना होगा। अब आपने जो 3 डेट सेलेक्ट किया था उसी के नियर अबाउट बिजली विभाग की तरफ से कुछ लोग आएंगे, उस टाइम आपको अपने घर पर रहना होगा, जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब देना होगा। देन फ्रेंड्स वो लोग आपकी रिपोर्ट लगाएंगे, अगर कोई भी वहाँ पे क्वेरी लगाते हैं तो उसको आपको जो है अपलोड करना होगा, जैसे कि इस केस में भी अनुबंध की क्वेरी लगी है। अब जो क्वेरी लगी थी लॉगिन करने पर शो हो जाएगी, आपको पुनः 3 डेट सेलेक्ट करके क्वेरी को अपलोड कर देना होगा। अनुबंध की क्वेरी यहाँ पे लगी थी, अगर आप में अनुबंध की क्वेरी लगी है तो आपको पुनः इस पेज पर आना होगा लॉगिन करके, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। नाउ यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा, जो ग्रीन कलर में फर्स्ट शो हो रहा है पहला, उस पर आपको क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने पहला पेज जो फिल किया था वो शो हो जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। ये थर्ड नंबर का ग्रीन एरो लगा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जितना भी अप्लायंस के लिए आप अप्लाई किए थे वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिख के फोटो खींच के इसको क्वेरी में अपलोड कर देना होगा। क्वेरी हट जाएगी, उसके बाद आपको फ्रेंड्स रिपोर्ट लग जाएगी। अब रिपोर्ट देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिपोर्ट लगी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। नाउ फ्रेंड्स फिर से प्रोसीड पर ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे तीन डेट सेलेक्ट कर देना होगा मीटर लगाने के लिए। इस डेट पे मीटर लगाने के लिए आपके यहाँ आएंगे तो तीन डेट कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आइए ग्रीप क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसके बाद UPI यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आप चाहें। अगर आप में फ़ोन में ऐप है वही, तो आप ऐप पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट को आपको जीपे से यहाँ पे सेलेक्ट करके, जैसे कि मैंने कंप्लीट किया है, पेमेंट कम्प्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इन्वाइस के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन है इन्वाइस प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करके जो इन्वाइस है जितना पेमेंट किया था वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। बाकी फ्रेंड्स प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद फिर से दोबारा से यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों में यस ऑप्शन दोनों में ही सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको केबल भी आपको मुहैया करानी होगी, उसके बाद मीटर लगाने का स्थान चूज हो चुका है, आपको यस क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे सफलतापूर्वक आपका आवेदन अप्लाई हो चुका है। अब आपके यहाँ पे मीटर लगाने के लिए फ्रेंड्स बिजली विभाग की टीम आएगी। अब फ्रेंड्स फाइनल स्टेप में आपके घर पर मीटर लग जाएगा। देन फ्रेंड्स वो लोग रिपोर्ट जब लगा देंगे तो आपका अगला स्टेप आ जाएगा, देन उसको कंप्लीट कर लेना होगा। बाकी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।